नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। काशगंज डीएम एसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। बताते चले कि अब्बास अंसारी के आने के बाद पहली बार जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने निरीक्षण किया है। जेल में बंद अब्बास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और जेल में बंदियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था को भी देखा गया है। देखिए, जनपद चित्रकूट के कारागार से एक बंदी अब्बास अंसारी, उन्हें हाल ही में जनपद कासगंज जिला कारागार में स्थानांतरित किया गया है। इनके सुरक्षा के और वहां निगरानी के क्या उपाय किए जा रहे हैं जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा, इसको औचक रूप से देखने के लिए मेरे द्वारा और जिलाधिकारी कासगंज के द्वारा आज एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया था। वहाँ पे जो दो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, दो भी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, उन सबको आज परखा गया है और समुचित तरीके से जो जेल के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और इसी खबर पर हमारे साथ काशगंज से हमारे सहयोगी जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुम्मन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और डीएम एसपी ने भी कारागार का निरीक्षण किया, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी समन, मैं आपको बता दूं, काशगंज जनपद के जिला कारागार का डीएम हर्षिता माथुर और एसपी सौरभ दीक्षित ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला कारागार की व्यवस्था को जाना, और वहीं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी जो कासगंज की जेल में बंद है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी डीएम एसपी ने जेल का जायजा लिया और जो कैमरे लगाए गए हैं उनके भी उनको भी देखा। डीएम और एसपी ने अब्बास अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन से कहा है कि जेल के जितने भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चाक चौबंद रहना चाहिए। जी, जुम्मन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के शेरकोट के ही गांव हाफिजाबाद बिहारीपुर के एक मामला सामने आया है, जहां मानसिक रूप से ही कमजोर एक युवक ने मंदिर में जाकर मूर्ति तोड़ी है। फिलहाल गांव वाले ने युवक को मौके से दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की मदद से ग्रामीणों ने दूसरी नई मूर्ति रखवाई है। बताते चले आपको कि गाँव में शांति का माहौल बना रहे और इसके लिए पुलिस बल गाँव में ही मौजूद है। गांव में पुलिस मौजूद है और इसके साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम देखे जा रहे हैं और साथ ही पुलिस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के गोकुलपुर की ही चुंगी में एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते चले आपको कि गंभीर बीमारी से तंग आकर युवक ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। हम बैठे थे गेट पे, फिर पीछे गया वो, पटाखे की आवाज़ आई, मगर हमने सोचा कि यहाँ शादी है बरोबर में, कभी ऐसा हुआ होगा कि वहाँ हुआ हो कुछ। लेकिन एक व्यक्ति पेशाब करने आया था, बाथरूम बनी हुई है, तो उसने बताया कि हम यहाँ कोई पीछे पड़ा है, तब हमने मोहल्ले वालों को सूचना दी। हाँ, खुद नहीं मारी। आप क्या करते हैं? मैं कुआं चलाने का काम करता हूँ। कदा पास का इधर का दहली के ऊपर का। क्या वजह है कुछ पता चल पा रहा है? क्यों बीमारी में मारी हो? बीमार चल गया था ये। खबर हरदोई से है, जहां पर मधुमक्खियों ने एक दर्जन लोगों पर हमला किया, जिसमें 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान पटाखा लगने के बाद ग्रामीणों पर हमला किया गया है और मधुमक्खियों के हमले से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भी पहुंचाया गया है। बताते चलिए आपको कि हिरोरी ब्लॉक के ही गलगोरिया गाँव में मधुमक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हमारे गाँव में मधुमक्खी बहुत है,
कितनी मधुमक्खी हैं कि जानवर और आदमी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, कौन सा गांव है? गलकुरिया मंगोलापुर के पास। हरदोई हुआ आज ये हुआ कि एक कार्यक्रम था तो उसमें पटाखा लगा दिया गया तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 7-8 महिलाएं सबको जख्मी कर दिया। सब ये बुआ है, चाची है और बुआ है, भाभी है, ये सब सबको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया। शासन से ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था की जाए जिससे इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के दाढ़ी कटवाने के पर ही मदरसे से निष्कासन के फतवे पर अब सियासत शुरू हो गई है। और जहां आपको बता दें कि सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के फतवे का समर्थन किया है तो वहीं यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मदरसे की नियमावली में ही किसी प्रकार का ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, इसलिए इस के बयानों को तुल नहीं देना चाहिए। बताते चले आपको कि तनवीर रिजवी का ये बयान उस समय आया है जब दारुल उलूम देवबंद ने ही मदरसों में दाढ़ी कटवाने का निष्कासन फतवा जारी किया है। गुरुवार को ही संभल में गेस्ट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी ने ही मौलाना हुसैन अहमद के बयान पर कहा है कि यह आलम-ए-दीन का बयान है। उन्होंने किस सूरत में किस मकसद से ये बयान दिया है ये वो खुद जानते होंगे। मेरा मानना है कि इस तरह के बयानों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना और उसको विषय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और हमें अपने मदरसों में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो कितनी अच्छी शिक्षा ले और क्वालिटी वाली शिक्षा ले उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने मौलाना हुसैन अहमद के बयान पर समर्थन किया है और उस पर तनवीर रिजवी ने कहा कि मेरा मानना है कि दाढ़ी व्यक्तिगत सरोकार है और जिसका मन है वो रखे और जिसका मन नहीं है वो नहीं रखे। तनवीर रिजवी ने बोले हैं कि अब तो दाढ़ी रखने का फैशन बन गया है और गैर मुस्लिम भी अब दाढ़ी रखने लगे हैं। मैं सपा सांसद के बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं ना कहीं वो ये जताते हैं कि वो मुस्लिम नेता हैं और वो मुसलमानों के ही बड़े हितेशी हैं। हो सकता है कि ये उनका हथियार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश हमारा है, जनता हमारी है। और उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम जनता को कामयाबी की ओर ले जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मौलाना हुसैन अहमद का बयान उनका अपना निजी बयान है और उन्होंने अपनी सोच के अनुसार बयान दिया होगा। मैं उनके बयान को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। और सपा सांसद डॉक्टर बर्के ने कहा मौलाना हुसैन अहमद के बयान का समर्थन करना और उनका अपना निजी बयान है और लेकिन मदरसा बोर्ड का सदस्य होने के नाते ही मेरा कहना है कि इस तरह के बयानों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए। रिजवी बोले हैं कि मदरसा की जो नियमावली है उससे इस तरह के परिधान जैसी चीज़ों को अंकित नहीं किया गया है, इस पर कोई विषय बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका मामला देखिए, सपा का मामला यह है कि उनको बात को घुमाना है और कहीं ना कहीं उनको ये जताना है कि हम मुस्लिम प्रो हैं, हम मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं। तो वो इस चीज़ को हो सकता है उनका हथियार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी इस पे जो है बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देगा क्योंकि हम लोग जो है ये जानते हैं कि ये देश हमारा है और जनता हमारी है। हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जो जनता को जो है कहीं ना कहीं एक कामयाबी की तरफ ले जाए, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो मानना आपका यह है कि मौलाना हुसैन अहमद ने जिस तरह से जो बयान दिया है छात्रों को लेकर, दाढ़ी रखने को लेकर, तो क्या उनके बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? निजी बयान है उनका, वो अपने सोच पे उन्होंने दिया होगा। श्रावस्ती से खबर है जहां प्रशासनिक भवन टाइप 4 आवास मुलाकाती वॉच टावर और पार्किंग किचन का कार्य पूरा हो गया है और पाइप 2 के ही 90 आवासों में डोर फिनिशिंग और सामुदायिक भवन और इसके साथ ही टाइप 1 की फर्श का कार्य अधूरा रह गया है। डीएम ने अधूरे कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के आदेश दिए हैं और डीएम ने कहा है कि जितनी जल्दी निर्माण पूरा होगा उतनी जल्दी बंदियों को रखना शुरू करेंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान ही राज्य के निर्माण निगम प्रबंधन हेमंत श्रीवास्तव मौजूद रहे। न
नूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा राजा का ताजपुर में ही कलयुगी पुत्र सोमपीर ने अपनी 70 वर्षीय माता ओमवती को जमीनी विवाद के चलते मारपीट में घायल कर दिया था, जिसमें उपचार के दौरान वृद्धा ओमवती की मौत हो गई थी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सोमवीर को क्षेत्र के ही रवाना रोड ताजपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। काशी के बाद अब एक और पौराणिक शहर अयोध्या में डबल डेकर क्रूज चलेगा, जहां पर श्रद्धालु सरयू भ्रमण के दौरान क्रूज में ही चलचित्र के माध्यम से श्री राम के जीवन और उनके आदेशों के रूबरू होंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि भजन के जरिए माहौल भक्ति में होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि दीप उत्सव से पहले इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सरयू नदी में संचालन के लिए प्रस्तावित लग्जरी सोलर मायर क्रूज के निर्माण का कार्य अप्रैल माह से ही शुरू हो सकता है और गुप्तकार घाट के ही महाराणा प्रताप पार्क के पास रामायण क्रूज का निर्माण केरल की ही नॉल्ट ओशियन इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस स्थल पर कवर्ड शेड का ही निर्माण शुरू हो चुका है और शेड बनते ही इसको लेकर बताया जा रहा है कि केरल के इंजीनियर अपनी टीम के साथ यहां डेरा डाल देंगे। यही टीम देश के पहले सोलर लग्जरी रामायण क्रूज का निर्माण करेगी। उसका पूरा सामान केरला से आना पड़ेगा, उसका पूरा मटेरियल केरला से, उसके बाद चलेगा। इस वेसल 25-26 मीटर का लंबा है और 8 मीटर का ब्रेड्थ है। अब क्रूज इसी के अंदर बनेगा, उसी के लिए शेड है। अब केरल से इसके लिए इंजीनियर आएंगे, क्रूज वो बनाएंगे। कब से कब बन जाना, कैसे कब तक शुरू हो जाएगा? अप्रैल, मान लो अप्रैल से शुरू होना चाहिए। और क्या विशेष है? विशेषता क्या है, बनेगा वो बंधे के उस पार नदी में कर दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के बिस्कोहर रोड रहने वाली एक महिला का बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और आपको बताते चले कि प्रभु दयाल उर्फ पप्पू सोनी के ऊपर महिला रोते हुए अपनी जमीन को फर्जी तरीके से बेनामा कराने का आरोप लगा रही है और ये वीडियो जमकर खूब वायरल हो रहा है और जिसकी तरह तरह की चर्चाएँ भी हो रही हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विस्कोहर रोड का है, जहां पर मकान विवाद का ये पूरा मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये हमें भी आज सूचना सुबह मिली है, एक महिला ने जो है वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने कथित रूप से कहा कि मैं उसे में लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ और मारपीट कर रहा हूँ, और जो कि जमीन बेनामा हुआ है उसमें उसका सब आरोप निराधार है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। एक करोड़ 2 करोड़ का जमीन 5 लाख में लिखाई ली, 5 लाख में लिखाई ली। हमारा लड़के में छोटे छोटे बच्चे में बांटा है, बच्चे छोटा छोटा बच्चा ही हमारे बबरा के बटा हुआ लिखाई ली, किया पियाए के लिखाई ली। शुभम सोनी को बैनामा किया था, जिसमें से 8,55,000 रुपया जेडीए चेक संख्या से प्राप्त हो चुकी थी। इसमें अमित कुमार त्रिपाठी एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया इटवा का, जिसमें से गाटा संख्या 657.21 वर्ग मीटर जो है जमीन का विक्रय हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।